कैसे हैं आप? मैं हूं अवधेश कुमार, स्वागत है आपका पेपर हैकर में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसमें हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ रखा था कि रिजेंबलेंस विद एथेनॉल। अब यहां पर जो हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, रिजेंबलेंस नॉन रिजेंबलेंस विद एथेनॉल। ठीक है, तो जो एथेनॉल के साथ रिजेंबलेंस थी वो तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ ली थी। जो नॉन रिजेंबलेंस है, नॉन रिजेंबलेंस का मतलब क्या होता है? जो उनसे समानता शो नहीं करता, मतलब ये स्पेशल किसकी रिएक्शंस होती हैं? ये रिएक्शन स्पेशली फिनॉल की ही होती हैं, ये एथेनॉल या कोई और अल्कोहल शो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम बात करेंगे नॉन रिजेंबलेंस की। ओके, यहां पर जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एसिडिक प्रॉपर्टी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, वो पूछ लेता है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल को एक्सप्लेन कीजिए। तो याद रखिएगा, फिनॉल क्या करता है? ये एसिड की तरह बिहेव करता है, तभी तो ये बेस से रिएक्शन करता है। देखो ये बेस है, बेस से रिएक्शन कर लेगा कौन? फिनॉल, यानी फिनॉल ये है, फिनॉल एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे होती है, जरा इसको देख लीजिएगा। ये है, बेटा क्या करेगा ये? एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए H प्लस डोनेट कर देगा और यहां बनेगा O निगेटिव, मतलब दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होगा? अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें होगा रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। ये इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, यानी यहां जो मिलेगा वो हमें ये मिलेगा, इस पर निगेटिव, यहां डबल बॉन्ड ओ और ये ऐसे। फिर क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर। तो बेटा देखिए अब क्या होगा, अब जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, यहां निगेटिव। अब क्या होगा नेक्स्ट में बेटा? ये यहां से इधर शिफ्ट करेगा, रेजोनेंस करेगा और ये जो मिलेगा वो ये कंपाउंड मिलेगा, यहां निगेटिव आ जाएंगे और यहां पर आपका डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा बेटा? ये फिर इधर और ये फिर से इधर, मतलब अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां ओ निगेटिव। जरा देखिए, ये यहां से जो फिनॉक्साइड आयन के स्टेबलाइजेशन हुआ, जो निगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ, वो पूरे रिंग में हुआ। होता क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिनॉल इज एसिडिक या फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, व्हाई? तो रीजन ये है कि इनमें जो फिनॉक्साइड आयन मिलता है वो स्टेबलाइज हो जाता है माइनस आर इफेक्ट की वजह से, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आर इफेक्ट लगता है यहां पर, इस वजह से ये मोर एसिडिक होता है, ये इनका एसिडिक नेचर है। क्लियर है? अब जरा देखिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, क्या होगा बेटा? यहां से आप ओ लेंगे ऑक्सीजन और यहां से जेडन, क्या निकल जाएगा? जेडन ओ, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और ये जो बचेगा ये बेंजीन। तो ये बेंजीन की प्रिपरेशन में भी आ जाता है, क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से बेंजीन को कैसे बनाओगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, FeCl3 से रिएक्शन कराएंगे। तो FeCl3 से जो रिएक्शन होगी बेटा, होगा क्या बेटा? यहां से तीन Cl इसके तीन H के साथ, आप देख लीजिएगा तीन H निकलेंगे और तीन H तीन Cl, तीन H Cl निकल जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो बनेगा, सिक्स मॉलिक्यूल ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो मिलेगा, ये कंपाउंड जो मिल रहा है आपका हेक्सा फिनॉक्साइड, आपका जो आयरन का कंपाउंड मिल रहा है, इसका नाम, इसका जो कलर होगा वायलेट कलर होगा, FeCl3 के साथ ये वायलेट कलर देता है और ये फिनॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर देखिए रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर माने तो ये एग्जाम में हर हाल में पूछी ही जानी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रिएक्शंस विद, अगर हम बात करें किसकी वजह से हो रही, बेंजीन न्यूक्लियस की वजह से जो रिएक्शंस आ रही हैं, वो रिएक्शंस कौन सी होती है, वो इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनॉल ही नहीं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिन्हें ESR कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं फिनॉल में वो कहां कहां हो सकती हैं, तो याद रखना आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां लगेगा ये चीज हम देखेंगे, तो फिनॉल के जो फिनॉल में जो OH ग्रुप है उसके बेस पर लगेगा। अभी जरा देखिए इसकी जो ESR होती है वो कितनी होती है, एक पढ़ेंगे हम लोग हैलोजनेशन, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग सल्फोनेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और एक पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये पांच हम लोगों को नेम रिएक्शन की पढ़नी है, ESR पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में इनमें से एक ना एक 100% मिल जाएगी, 100% मैं बता रहा हूं, यहां से आपको 100% रिएक्शन मिलेगी। अब जरा देखिए इसकी जो पहली रिएक्शन है वो है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन को देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हैलोजनेशन में क्या होता है बेटा, पहले तो ये देखिएगा कि जब भी हम हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, यहां पर कोई हैलोजन कैरियर एजेंट होगा, हैलोजन कैरियर एजेंट जो हैलोजन को ले जाने का काम करता है, ठीक है। अगर हैलोजन कैरियर एजेंट हम लेते हैं तो यहां पर जो रिएक्शन होगी, जो हैलोजन लगेगा बेंजीन न्यूक्लियस में, वो क्या होगी, हैलोजनेशन कहलाएगी। अब यहां पर बात यहां पे आती है कि OH ग्रुप यहां है और Cl एक यहां लगा और एक यहां लगा, तो मैं आपको बता दूं ये Cl आर्थो और पैरा पर क्यों लगा, किसकी वजह से लगा, तो जरा देखिए यहां पर जो OH ग्रुप है फिनॉल में, जो OH ग्रुप है ये जो OH ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो एंड पैरा पर डायरेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अब आप बताइए, मैं आपको बताऊं कि इसके इस नेचर को क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कहते हैं, क्या कहेंगे, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा OH ग्रुप जो बेंजीन न्यूक्लियस में OH ग्रुप है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से सीधे कहेगा कि आपको कहां लगना है, आर्थो या पैरा पोजिशन पर लगना है। तो ये कहां डायरेक्ट करेगा, एक टाइप से ये डायरेक्टर है, इस पूरे कंपाउंड का डायरेक्टर कौन है, OH ग्रुप है, वो क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाएगा, आर्थो पर या फिर पैरा पोजीशन पर। अब जरा देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हैलोजिनेशन की जो बात कर रहे हैं, जरा देखिए यहां पर हैलोजिनेशन में होगा क्या, स्पेशली हैलोजिनेशन में अगर हम बात करें, ये हमारा फिनॉल है और हमने हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन को ले लिया Cl2, किसकी प्रेजेंस में, या तो आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लें या फिर FeCl3 ले लें या ओनली Fe ले लें, वो क्या करेगा, यहां देखिए आने वाली जगह पर, ये देखिए आने वाले टाइम में आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये जो OH है या तो यहां आर्थो पे लगाएगा, किसको, Cl को, या फिर कहां लगाएगा, पैरा पोजीशन पे लगाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोफिनॉल और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोफिनॉल,
अब देखिए ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल यहां की अगर हम बात करें होता कैसे, ये मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एन हाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में, एन हाइड्रस, तो बेटा क्या बनना है, तो आर्थो पर एक क्लोरीन लगेगा और एक पैरा पर, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, इनमें एक मेजर और एक माइनर बनता है, मतलब एक कम मात्रा में बनेगा एक ज्यादा मात्रा में बनेगा। ये जो रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव या रेजियो सिलेक्टिव, ये रेजियो सिलेक्टिव है, यहां दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो समझ लीजिएगा अगर हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन के थ्रू कौन सी कहेंगे, क्लोरीनेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, देखिए मैकेनिज्म यह है, आपने लिया है AlCl3, मैकेनिज्म में अगर हम देखें आपने लिया क्या है AlCl3 लिया और रिएक्शन करा दी किससे, Cl2 से। पहला स्टेप देखिए मैकेनिज्म का, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में AlCl3 Cl2 से रिएक्शन करके खुद AlCl4 नेगेटिव बनता है और यहां से Cl पॉजिटिव बनाता है, मतलब जो पहला स्टेप है यह है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें बेटा क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में। ये जो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये हमें मिला इलेक्ट्रोफाइल, यही तो इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकंड में देखिएगा क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, देखिए दिस इज फिनॉल, बेटा ये लोन पेयर है, ये इधर जाएगा तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां आएगा निगेटिव, जैसे ही निगेटिव आया अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, कौन है इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव, जरा देखिए ये निगेटिव यहां अटैक कर बैठेगा, जैसे अटैक होगा क्या बनेगा, ये मिलेगा, Cl इधर H इधर O, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि H लगा हुआ। अब बेटा ये देखिए ये मिला, अब होना क्या है, अब कुछ नहीं होना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या होगा आने नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या बेटा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां से जो एलिमिनेशन होना है वो ये होना है, ये देखिए यही तो बना था, अगर आप यहां डायरेक्ट करा रहे हैं FeCl3 ले रहे हैं तो FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बनेगा, सेम वही कंडीशन है, आपने किया क्या है, कुछ नहीं किया है आपने, जरा देखिए ये लिया ठीक, अगर हम यहां की बात करें, यहां हमारा H है, यहां Cl है, यहां O और इधर H, अब होगा क्या, देखिए यहां से ये इधर जाएगा और इस पर पॉजिटिव था, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अब इस पॉजिटिव को ये कम कर देगा तो बनेगा क्या बेटा, ये बनेगा इधर Cl इधर OH, बाकी सब ऐसे, ठीक है। इसको देखिए अगर नहीं समझ में आया तो एक तरीका और है, कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए जरा आप देखिए, आपने लिया AlCl3 या FeCl3 और Cl2 लिया, तो यहां से जो मिला वो मिला AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, ठीक, स्टेप फर्स्ट है,
सेकेंड स्टेप में देखिएगा क्या होगा, ये बेंजीन न्यूक्लियस जो आपने फिनॉल लिया है इस पे आप आर्थो अटैक दिखाइए, पहले आर्थो पे दिखा दीजिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कराएंगे, ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, यहां देखिए ये जो सीएल पॉजिटिव है इस पर ये अटैक कर देगा और बेटा ये क्या बन जाएगा, सीएल इधर एच इधर ओ एच, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां जो बना है ये जो इसको क्या कहेंगे, अरेनियम आयन कहते हैं इसको, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एच सी एल इधर ओ एच है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये इधर शिफ्ट करा देगा, यहां से क्या निकल जाएगा, प्रोटॉन निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकल जाएगा और ये बन जाएगा ओ एच, ऐसे ही रहेगा ये, ऐसे यहां सी एल बेटा, ये देखिए आर्थो क्लोरोफिनॉल बन गया, ये आर्थो पोजीशन है, ठीक है। तो ये आर्थो पोजीशन पे अटैक हुआ, क्लियर है। तो हैलोजिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विद मैकेनिज्म पूछी जाती है एग्जाम में। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आप सबसे पहले एक तो ये मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या है, अब देखिए स्टेप नंबर फोर्थ में देखिए, जो एच प्लस है आपका ये कहां जाएगा, ए एल सी एल फोर निगेटिव के पास जाएगा। भाई आप देखिए है क्या, ये बदला लेने जा रहा है, देखो ना Cl2 से एक Cl छीन लिया था, मतलब H+ के पूर्वज से क्लोरीन ले लिया था ना इसने, AlCl4- नेगेटिव ने, तो ये अपना बदला लेने जा रहा है, ये इससे क्या करेगा, अपना Cl छीन लेगा और HCl बनाएगा और फिर से AlCl4- नेगेटिव को AlCl3 में चेंज कर देगा, क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म थी किसकी, क्लोरीनेशन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैलोजिनेशन रिएक्शन थी एग्जाम में, 100% मैंने कहा था एक ईएसआर आ जाएगी, हैलोजिनेशन सल्फोनेशन नाइट्रेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में से कोई एक रिएक्शन 100% आएगी, ठीक है। थैंक यू।